Hello, welcome to Arvind Singh Academy, and we are discussing motion. This is video lecture number 8. I hope you have already watched part 1 to part 7 before watching this part 8. In this lecture, we are going to discuss about the circular motion. और सर्कुलर मोशन क्या है और ये कैसे काम करता है और इसको कब कहेंगे कि सर्कुलर मोशन है. सर्कुलर मोशन किसी भी क्लोज्ड राउंड मोशन को हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं. अब ये डायरेक्शन चेंज होती रहती है. एक सर्कल का मोशन है अगर, तो हम उसे सर्कल पर यानी सर्कुलर ट्रैक है, मान लीजिए ये है. इस पे मोशन अगर कोई बॉडी है उसकी मोशन को हम इस पे सर्कुलर मोशन कहते हैं. मतलब ऐसा भी हो सकता है, या कोई बॉडी अगर ऐसा है इस तरह का शेप में है और यहाँ पर भी इसके मोशन को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अगर वेलोसिटी इसकी है, बॉडी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये वी इसकी स्पीड है, राइट. लेकिन यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही होगी, हो रही होगी, यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी. So round the corner, the directions are changes, and velocity can change either by changing direction or by magnitude. यहाँ पर तो हर एक पॉइंट पर ही डायरेक्शन चेंज हो रही है. यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे है, velocity का डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे है, ठीक है. तो हर एक पॉइंट पर ही वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है हर एक पॉइंट पे. यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट पे कुछ इस तरह की होगी, है ना. और ये देखिए, हम इसको ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी. इसी तरह से कोई और पॉइंट अगर हम ले तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, है ना. तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पर ही इसकी डायरेक्शन जो है लगातार चेंज होती रहेगी. यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं उस सब पे डायरेक्शन चेंज हो रही है. तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है वो लगातार अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो अगर सेम हो तो हम उसे कहेंगे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. और अगर सेम ना भी हो तब भी उसे हम कहेंगे कि सर्कुलर मोशन तो है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है. ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि यहां पर सब पे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. यहाँ पे राउंड द कॉर्नर इसकी स्पीड चेंज हो रही है. ऐसे ही कोई और फिगर अगर ले लिया जाए, ये ट्रेंगुलर ले लिया जाए, तो यहाँ पर भी हर एक वेलोसिटी चाहे स्पीड सेम हो लेकिन जब कॉर्नर पे जाएंगे तो इसकी स्पीड, कोई ट्रायंगुलर ट्रैक है यहाँ पे, कोई पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है तो यहाँ पर भी इसकी स्पीड होगी, ये ए पर जाकर के चेंज हो जाएगा, यहाँ पर बी पर आकर के चेंज हो जाएगा और यहाँ सी पर आकर चेंज हो जाएगा. तो ऐसे अगर ये भी एक सर्कुलर मोशन ही कहा जाएगा क्लोज राउंड, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है ना. तो क्लोज्ड मोशन जितने भी होते हैं इन सब में डायरेक्शन चेंज होता है. सो वेलोसिटी कैन चेंज ईदर बाय चेंजिंग, वेलोसिटी कैन चेंज ईदर बाय मैग्नीट्यूड और बाय डायरेक्शन, ठीक है. हम बात कर रहे हैं किसका, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं. तो सर्कुलर मोशन क्या होगा कि जब व्हेन ए बॉडी इज मूविंग अराउंड ए सर्कल, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग
a circular track. Track, ठीक है, then motion of body is said to be, body is said to be circular motion. When speed remain constant, when speed of moving body remains constant, then motion of body is said to be uniform circular motion. Then motion of body on circular track is said to be uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है. लगभग जो मून है हमारी अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन में ही चक्कर लगाता है. अब ये अगर कहें कि हमारे पास ये अर्थ है और ये ट्रैक है, तो आप ये देखेंगे कि मून जो है लगभग लगभग ऐसा ऑर्बिट होता है. एग्जैक्ट स्फेरिकल तो नहीं होता बट स्फेरिकल ही होता है. तो ये भी सर्कुलर मोशन कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होता, लेकिन हम ये कहेंगे कि मून जो है वो कैसा चक्कर लगाता है ऐसा. इसके लिए केपलर्स के रूल है और वो आगे आप पढ़ें. ये कह सकते हैं कि मून अगर यहाँ पे है, ये जो अर्थ आपके सेंटर पे है, यहाँ पर अर्थ है, ये है अर्थ, और मून जो है वो चक्कर यहाँ पे लगा रहा है. तो इसमें चक्कर लगा रहा है, इसके मोशन को हम क्या कहेंगे? इसके मोशन को हम कहेंगे कि ये मून जो है वो सर्कुलर मोशन में, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. अगर इसकी यूनिफॉर्म नहीं होता ये मोशन, ठीक है, तो क्या होता कि ये रेडियस लगातार कम होती जाती या बढ़ जाती या कुछ और होता. तो हर एक साल जो मून की वजह से, मून का अगर ये सर्कुलर मोशन इन्फॉर्म नहीं होता, तो जो महीने होते हैं चंद्रमास वो अलग अलग होते हैं और जो लूनर इक्लिप्स होते हैं वो अलग अलग टाइमिंग पे होते हैं. तो इसलिए हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि कब होगा. तो ये सारी चीजें, इसी तरह से अगर अर्थ की बात की जाए तो अर्थ भी सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है पूरा, है ना. अर्थ भी सन के अराउंड क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है. तो अर्थ भी सन के अराउंड चक्कर लगाने से हमारा जो साल है वो फिक्स रहता है ऑलमोस्ट, हर एक मौसम फिक्स रहता है, है ना. तो आप ये कह सकते हैं कि ये भी लगभग ऐसा ही ऑर्बिट है, कि एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है, थोड़ा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और इसमें जो है अर्थ जो है वो मून की जगह पर अर्थ है और यहाँ पर सेंटर पे सन है. तो ये भी हर एक फिक्स है कि एक साल में इतने दिन में ये रोटेट करेगा और ये ट्रांसलेट करके पूरी तरह से इस सन के अराउंड और चक्कर लगाएगा. तो इसलिए हमारा साल जो होता है उसमें दिन फिक्स होते हैं, इवन मिनट और सेकंड भी फिक्स होते हैं कि इतने मिनट इतने सेकंड में और इतने दिन में अर्थ जो है वो सन का एक पूरा चक्कर लगाएगा. तो वो उनकी मोशन जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है ना. तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इवन हम कोई सैटेलाइट छोड़ते हैं, मान लीजिए कि हमने कोई सैटेलाइट छोड़ा, तो सैटेलाइट छोड़ने के बाद भी जो हमारी स्थिति होती है सैटेलाइट, वो भी इसी तरह के ऑर्बिट में लगभग घूमते हैं. सैटेलाइट जो है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, 35,786 किलोमीटर के ऊपर, जो लगभग 36,000 किलोमीटर के ऊपर जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वो इसी तरह के मौसम में घूमते हैं. और ये हमारा सन है और ये अर्थ है और इस तरह से ये रोटेट होता रहता है. तो सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो इनसेट सीरीज के सैटेलाइट्स हैं, वो सारे जो हैं वो 36,000 किलोमीटर के ऊपर सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव कर रहे होते हैं, जिससे हमें कम्युनिकेशन में सहायता मिलती है. कुछ सैटेलाइट और भी होते हैं जो पोलर सैटेलाइट होते हैं, उनका ऑर्बिट जो है वो उस तरह का सर्कुलर नहीं होता, थोड़ा सा उनका ऑर्बिट जो होता है वो इलिप्टिकल होता है.
ये सब जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ही एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से फिक्स टाइमिंग पे आपको पता चलता है सब चीजें, और फिक्स समय पे आपको चीजें, फिक्स समय पे जो जैसे सीजन है सन और अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो फिक्स टाइम पे सीजन आता है, हर एक साल विंटर आता है, समर आता है और रेनी सीजन भी आता है। तो महीने भी फिक्स होते हैं ऑलमोस्ट एक जैसे, हर एक महीने में मौसम होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके फिक्स रोटेशन की वजह से ही है कि ये सन के अराउंड जो है वो पूरी तरह से ट्रांसलेट कर रहा है और ट्रांसलेट करके आ रहा है। रोटेशन की वजह से तो दिन और रात होती है, बाकी ट्रांसलेशन की वजह से जो है हमारा मौसम बदलता रहता है। और एक साल में कितने दिन में ये रोटेट करता है, कितने मिनट में, कितने सेकंड में, ये सब भी पता चलता है। तो ये सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से आप कोई बॉलर को देखे होंगे, वो क्या करता है, स्पिन करता है, और स्पिन करता है तो अपने हाथ को जैसे घुमाता है उसी तरह से बॉल घूमता हुआ चला जाता है। या डिस्क थ्रोअर को देखा होगा, ऐसे डिस्क थ्रो करता है, किसी स्पोर्ट्स मीट में देखा हो तो डिस्क या हैमर थ्रो वाले भी ऐसे फेंकते हैं, जिस हिसाब से फेंकते हैं उसी हिसाब से वो मोशन करता है, और उसकी मोशन को हम सर्कुलर कह सकते हैं। और सर्कुलर मोशन होगा, हाँ, यूनिफॉर्म होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है, यूनिफॉर्म तो नहीं होगा। धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और कम होते होते ये हो जाता है कि स्पीड उसकी कम होती है, लेकिन डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, बदलता रहता है। और जिस तरह से वो रोटेट कराते हैं उसी तरह से उसकी मोशन होती है। तो हाथ के एक्शन पे पता चल जाता है कि किस तरह से बॉल को रोटेट कराने वाला है बॉलर, और उसी हिसाब से बैट्समैन अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। तो ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब कुछ न्यूमेरिकल और कर लेते हैं थोड़े से, और एक आध न्यूमेरिकल करके और फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन है कि एन एथलीट लीड्स कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड्स। 2 मिनट 20 सेकेंड्स, ये क्वेश्चन है। तो जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी डायमीटर कितनी है, उसकी डायमीटर है 200 मीटर। तो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और इसकी डायमीटर है कितनी, 200 मीटर। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, तो सरकमफ्रेंस पहले निकालना होगा। डायमीटर कितना दिया हुआ है जी, डायमीटर दिया है 200, ये है इसका सेंटर, और ये इसका रेडियस होगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर अगर 200 मीटर दिया है तो रेडियस हो जाएगा कितना, 100 मीटर, है ना, रेडियस जो होगा वो होगा 100 मीटर। तो ठीक है, तो रेडियस हो गया 100 मीटर, और 100 मीटर रेडियस होने की वजह से सरकमफ्रेंस होता है, फ्रेंस होता है 2 पाई आर, यानी 2 इंटू पाई, पाई का मतलब 3.14 और आर का मतलब 100, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये लगभग लगभग कितना ही, डेसिमल हटा दोगे तो नीचे 100 आएगा, जो 100 से 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 628 मीटर का, ये पूरा का पूरा क्या है, इसका सरकमफ्रेंस है। अब इतना दूरी तय करने में उसे 40 सेकेंड लगता है,
या ये भी कह सकते हैं इसको पाई में ही रहने दे सकते हो, तो आप लिख सकते हो कितना, 100 इंटू टू, 200 पाई भी इसको लिखा जा सकता है, 200 पाई, एक ही बात है, 200 पाई मीटर। और इतना डिस्टेंस उसे ट्रेवल करने में क्या लगता है, 40 सेकेंड। तो एक चक्कर 40 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, 2 मिनट 20 सेकेंड्स में कितने सेकेंड्स होंगे, टाइम दिया हुआ है हमारा 2 मिनट 20 सेकेंड्स, 2 मिनट 20 सेकेंड्स। इसको सेकेंड में कन्वर्ट करूं तो 2 × 60 + 20 ये हो जाएगा 120 + 20, यानी 140 सेकेंड्स लगेंगे। तो जरा देखो, 120 सेकेंड में, 40 सेकेंड में अगर एक राउंड हो रहा है तो 120 में 3 राउंड हो जाएंगे, और बचे हुए 20 सेकेंड में आधे राउंड और हो जाएंगे, तो 3 राउंड 3½ राउंड होंगे। तो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड कितने हो जाएंगे, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, 120 / 40 ये हो जाएगा 3½ राउंड, 3½ राउंड ये हो जाएगा, आप डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 3½। कैसे, ये देखो, ये हो गया 20 और ये हो गया कितना, 70, 0 से 0 कट गया, 7/2, 3½ राउंड। तो 3½ राउंड में कितना ट्रेवल करेगा, 1 राउंड 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो 3½ राउंड में कितना ट्रेवल कर लेगा, 2 राउंड में 400 मीटर, 3 राउंड में 600 पाई मीटर। सो नंबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड इन 3½ राउंड इज इक्वल टू 3½ × 2 पाई आर, दैट इज 7/2 × 2 पाई आर, टू ये हो जाएगा 3½ राउंड में इंटू कितना, 2 पाई आर, और ये हो जाएगा 7/2 × 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 पाई आर, और आर कितना है, 100, इसलिए हो गया 700 पाई मीटर। आप वैल्यू रखना चाहते हैं तो 700 × 3.14 मीटर रख सकते हैं, ये डेसिमल से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल आओगे तो नीचे 100 आता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 4 जा 28, 2 7 1 जा 7 × 9, एंड 7 3 जा 21, इतना मीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा अगर एग्जैक्ट मीटर में अप्रोक्सी आएगा। और ऐसे बोले तो क्या आंसर होना चाहिए, 700 पाई, तो 700 पाई मीटर ये आंसर होना चाहिए। आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पाई की वैल्यू लिखेंगे तो पाई की वैल्यू 3.14 लिख रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है न कि एक्यूरेट वैल्यू देता है, इसलिए ये जो होगा ये आंसर ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये एक्यूरेट है और ये अप्रोक्सीमेट है, दोनों में से कोई भी आंसर लिखेंगे नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट 3½ चक्कर में कितना होगा, ये सोचने वाली बात है। तो यहां से अगर कोई बॉडी शुरू होता है तो एक चक्कर में यही आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, 2 चक्कर के बाद फिर यही पहुंच रहा है तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, 3 चक्कर के बाद यहां पहुंच रहा है तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, लेकिन 3.5 चक्कर में क्या होगा, ये एग्जैक्टली अपोजिट होगा, यहां पर आएगा। तो यहां से इनिशियल पॉइंट ये ए है और फाइनल पॉइंट बी है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर है कितना, 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 200 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट इज ए बी, डिस्प्लेसमेंट इज ए बी, सिंस फाइनल पोजिशन इज बी एंड दिस इज नथिंग एल्स बट डायमीटर, एंड देयर फोर इट इज 200 मीटर, 200 मीटर ये आंसर हो गया। तो डायमीटर होगा उसका 200 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो 700 पाई मीटर ट्रेवल करेगा। तो ये दो आंसर इसमें पूछा जा रहा था, ये दोनों आंसर इस तरह से निकल जाएगा, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं कि सर्कुलर मोशन को कैसे हम समझें,
कूलर गन यूनिफॉर्म कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, जैसे हमने ट्रेंगल के केस में किया था, तो वो हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म भी हो, या कोई स्पाइरल मोशन हो रहा हो तो भी क्या होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर कोई सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है और कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है, बट ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही है, इसलिए ऐसे मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या आप ऐसे एक पत्थर या कोई टुकड़ा अगर किसी रस्सी में बांध लें, आप किसी धागे में बांधे और ऐसे घुमाएं, तो उसका भी मोशन क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा, और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा जब तक आप उसे फिक्स हिसाब से ऐसे रोटेट करते रहेंगे। और अगर आप उसे रोक देंगे या अगर स्लो करेंगे अपनी हैंड की मूवमेंट को, तो जो मोशन होगी वो कम हो जाएगी, तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, अगली क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं और न्यूमेरिकल के बाद फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। टिल देन, बाय बाय।